हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दैट इज मिस्टर एंड मिसेस पंखाल। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा था कि 48 आवर्स का टाइम डॉक्टर ने दिया था जिससे कि वाटर लेवल इंक्रीज हो बंटी का, बेबी को कोई दिक्कत ना हो, और वो पूरा डेडिकेटली बंटी ने निभाया, पूरा पानी पिया, 48 घंटे में 13 लीटर पानी मायने रखता है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी हुआ बंटी का, लास्ट व्लॉग में आपने देखा भी होगा। अल्ट्रासाउंड के बाद हम चले गए थे बाहर और फिर लेट हो गए थे, तो ये जो वीडियो है शूट हम कर रहे हैं नेक्स्ट डे, क्योंकि कल टाइम नहीं मिला था हमें और दिन में ऑफिस में थे, तो जस्ट अभी आए हैं और अभी 6 बज गया, 6 बजे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी विशेष दी, इतना सपोर्ट किया, इतनी ब्लेसिंग्स दी, जिसकी वजह से जो हम सोच रहे थे जो क्रिटिकल प्रॉब्लम आने वाली थी वो नहीं आई, और फाइनली मतलब बंटी को हॉस्पिटल में एडमिट होने का जो मतलब डर था वो डर बच गए, उस डर से हम वो दिक्कत नहीं आई। क्योंकि अगर पानी का जो वाटर लेवल जो है वो कम होता तो उस केस में आपको पता होगा कि काफ़ी दिक्कत आती है, और डॉक्टर ने पहले ही हमें बता दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पानी पियो उससे आपका पानी बढ़े, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है पानी पीने से पानी बढ़े, जरूरी नहीं है कि मैं जो दवाइयाँ दूँ वो खाने से पानी बढ़े, ठीक है, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं, पानी एक बार कम होने लगता है तो वाटर लेवल को इंक्रीज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो जो लास्ट ऑप्शन डॉक्टर ने बताया था वो वही था कि एडमिट करके ड्रिप के थ्रू आपको जो पानी है आपकी बॉडी में डाला जाएगा, ताकि जो वाटर लेवल है वो मे भी इंक्रीज हो जाए, चांसेस कम है, मतलब वो नहीं था, श्योर नहीं, हाँ चांसेस बिल्कुल कम थे, श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं थी कि पानी का जो लेवल है उसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ये नेचुरली कम या ज़्यादा होता है। और ये बोला था कि ना लास्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है, कॉमनली ऐसा होता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि हम पानी कम पीना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा बहुत तो फर्क मुझे लगता है। डॉक्टर ने बोला था ना कि ये जो पानी कम ज्यादा होना जरूरी नहीं है कि आपने कोई मतलब प्रिकॉशंस यूज नहीं किया या आपने पानी कम पिया या किसी मेडिसिन की वजह से या किसी भी वजह से, इसका कोई रीजन नहीं होता कि किस वजह से आपका वाटर लेवल कम होता है, कोई भी इसका ऐसा रीजन नहीं है कि इस रीजन से आपका पानी कम हो सकता है, वरना तो हर कोई पहले से ही तैयार रहे पानी कम होने ही ना दे, क्योंकि इसका कोई ऐसा रीजन है ही नहीं कि इस वजह से ये पानी कम हो सकता है। तो डॉक्टर ने बताया था कि इसका कोई कारण नहीं है कम होने का, और अगर जो मैं मेडिसिंस दे रही हूँ, जो मैं आपको पानी पीने के लिए बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, इससे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका वाटर लेवल इंक्रीज हो, बस वही है कि भगवान के हाथ में है, अगर बढ़ गया तो आपका टाइम निकल जाएगा, अदरवाइज जो अगर पानी अगर कम रहता है तो काफी प्रॉब्लम। इतना कम नहीं था कि एक बॉर्डर लाइन होती है, उस बॉर्डर लाइन पे चल रहा था, हाँ। अगर उस बॉर्डर लाइन से डाउन आता तो हमें प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन फिर तो डॉक्टर एट ए टाइम हमें एडमिट ही कर लेते बंटी को, हाँ, लेकिन बॉर्डर लाइन पे था, अब बॉर्डर लाइन से थोड़ा सा अप आया है और होप सो अब सब सही हो। अभी 1 वीक के बाद फिर से डॉक्टर ने बुलाया है, तो 1 वीक के बाद फिर से टेस्ट होगा कि yes, डॉक्टर ने बोला है कि जो 48 आवर्स में जो हमने बोला था मेडिसिंस जो आपको लेनी है, जितना पानी आपको पीना है, वो सब आपने फॉलो किया तो हमें इसका रिजल्ट मिला है, पॉजिटिव रिजल्ट मिला है, आपका वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, इसलिए आपको 1 वीक के लिए सेम चीज़ फॉलो करना है, उतना ही पानी पीना है, वही मेडिसिंस लेनी है, और उसके बाद हम दोबारा से स्कैन करेंगे और चेक करेंगे कि आपका वाटर लेवल इंक्रीज हुआ है, उतना ही है या कम हुआ है। कम तो नहीं होना चाहिए, हाँ। इंक्रीज ही होना चाहिए, हाँ, मतलब 9-10 तक हो जाता है तो वो सही रहता है, अभी कितना है 7.6 कुछ है, 7.7 तो मतलब सही है, पानी इतना कम भी नहीं बोल सकते, 5 से डाउन नहीं जाना चाहिए, तो 5 एक बॉर्डर लाइन होती है, वैसे तो आपका मतलब मिनिमम 10 तो होना ही चाहिए ना, हाँ 9-10 डॉक्टर ने कितना होना चाहिए, पर अगर 7-8 है तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन वो ओनली लास्ट ट्राइमेस्टर में चलेगा, अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में ऐसा कुछ हुआ है तो नहीं चलेगा आपका 6-7-8, वो फिर आपको 11 से ऊपर ही जाना पड़ेगा ना। यस, ये तो डॉक्टर ने बोला है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में तो वैसे भी नॉर्मली कम हो ही जाता है, किसी का थोड़ा ज़्यादा कम होता है, किसी का थोड़ा कम होता है, लेकिन कम होता है, कम होता है। तो पानी कम होने का मुझे ऐसा लगता है, हनी मैंने आपको बताया भी था, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पानी पीना कम स्टार्ट कर दिया था ना, मैं 1 से 1.5 लीटर पानी में सोचती थी बस क्या है यार, निकल रहा है टाइम, निकल गया बस, अब तो क्या ही बचा है, तो मैंने बहुत मतलब एक लिमिट वाला पानी, लिमिट से भी नीचे पानी पीना स्टार्ट कर दिया था कि पानी पीऊंगी फिर वॉशरूम जाना पड़ेगा, इसलिए आप पूरे दिन में 1.5 लीटर पानी भी नहीं पीते थे, एक ही बोतल ऑफिस लेके जाते थे और वही पूरे दिन चलाते थे, फिर मेरे को यूं लगता था ऑफिस में बैठे बैठे यार उठ के फिर से चेयर से उठ के जाना पड़ेगा, इससे अच्छा पानी ही मत पियो, अब पी रहे हो ना 6 लीटर दिन का, मैंने खुद में
इस चीज को मैं मानती हूँ कि मैं बहुत केयरलेस रही इसको लेके. ओनली वन वीक. वन वीक नहीं, मैं लास्ट वन वीक में कम किया था. हाँ, लास्ट वन वीक में तो मैंने डेढ़, मतलब वो 1.5 लीटर भी बंद कर दी, 1 लीटर भी बंद कर दिया था. बोतल लेके जाती थी, उसी को घर ले आती थी कि रात को नहीं भरनी पड़ेगी, फिर वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा. कुछ ऐसे तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए आपको. थोड़ा सा में? स्ट्रेस भी रहा था, मतलब लास्ट मंथ में. मे भी उसकी वजह से हो सकता है ना. स्ट्रेस तो लेना ही नहीं चाहिए. और पानी एक सबसे बेस्ट चीज है प्रेगनेंसी में. आपको जितना ज्यादा पियोगे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि इसी से बेबी का जो वेट है वो भी गेन होता है. तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि मुझे वॉशरूम ना जाना पड़े, पानी कम पीऊं, तो ऐसा सोचना मत, बिल्कुल भी मत सोचना. वरना फिर अब वो ये मेरे को दिन की 10-10, 12-12 मेडिसिंस लेनी पड़ रही है, उससे पीछा छूट जाता अगर पानी पीती. और फिर जैसा बंटी ने बताया कि एक हफ्ते से पानी पीना बिल्कुल कम कर रखा था, आ गया रिजल्ट सामने. डॉक्टर ने दे दिया दो ऑप्शन, या तो आप पानी पियो या फिर आप एडमिट हो जाओ. अब बंटी के पास दो चॉइस थी, या तो उनको दिन में 6-7 लीटर पानी पीना था, या फिर उनको हॉस्पिटल में एडमिट होकर ड्रिप लगा के पानी चढ़वाना था. और मेरे को डाउट था कि बंटी 6 लीटर दिन में पानी नहीं पी पाएंगी, क्योंकि वो जो दिन में 1-2 लीटर पानी भी ना पिए वो 6 लीटर कैसे पिएंगी. लेकिन मैंने डॉक्टर को बोला कि मैं पानी पी लूंगी. डॉक्टर ने बोला पी लोगे ना. मैंने कहा पी लूंगी. इसीलिए उन्होंने 48 आवर्स दिए थे सिर्फ टेस्टिंग के लिए कि आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो. और उन्होंने मुझे अप्रिशिएट भी किया. हनी ने तो नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत ही किया हनी ने तो, लेकिन डॉक्टर ने मुझे अप्रिशिएट किया. डॉक्टर ने तो किया भाई, ब्रेव गर्ल. बाकी आप लोगों की विशेस प्रेज सब काम आई, भगवान जी ने साथ दिया. लेकिन मैं हमेशा ये बोलती हूँ, अगर आप किसी का बुरा नहीं करते तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा. अपने माइंड में कभी किसी के लिए कुछ भी गलत मत सोचो. बस तो आपके साथ गलत होगा ही नहीं, इतना तो भगवान जी हैं सुनने वाले. Yes. जो होता है अच्छे के लिए होता है, जैसा होता है अच्छा होता देखो, है. देखो हनी मेरे साथ, मतलब ये मैं इस लेवल पे आके खड़ी हो गई थी, लेकिन मैंने फिर भी ये बोला था कि हनी मेरे साथ गलत नहीं होगा, मुझे भगवान जी पे भरोसा. शायद आपके सामने लास्ट व्लॉग में बोला था, आपने चीज व्लॉग में बोला था ना, तो मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है. यस, ट्रस्ट होना भी चाहिए. तो गाइज आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके ब्लेसिंग्स देते हो कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तो बहुत अच्छा लगता है हमें. और कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारे ऊपर असर भी करती हैं कि आप लोग इतना ब्लेसिंग दे रहे हो. भगवान जी तो सुनते हैं ना आपकी, थोड़ी हिम्मत आती है, मतलब हमें लगता है कि हाँ सब साथ हैं, सब अच्छा होगा. पॉजिटिविटी आती है, ऐसे पॉजिटिव रहते हैं हम कि कुछ नहीं होगा, सब सही होगा. तो काफ़ी मतलब अच्छा लगता है जब आप लोग इतने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, हमारा मतलब हौसला थोड़ा बढ़ाते हैं. क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा डर तो लगता ही है इस चीज़ में आके. बाकी तो मतलब मोस्टली टाइम निकल ही गया है, बस थोड़ा टाइम और बचा है आप लोगों की दुआ से, वो भी निकल जाएगा अच्छे से. जल्द आप लोगों के सामने अच्छी अच्छी गुड न्यूज आएंगी और सब सही होगा. तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही कि आप लोगों को ये बताना था कि आप लोगों की वजह से, भगवान की वजह से सब सही है, हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं पड़ी, जो वाटर लेवल डिक्रीज हुआ था वो इंक्रीज हो गया, एंड एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन राइट नाउ. इसी के साथ आज की वीडियो को हम एंड करते हैं. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें. बाय.